माई टू फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दिन के टाइम से मैं वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ, मतलब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ अपना। तो आज का मौसम देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल बादल बादल हो रहा है। और मैं जो है अभी छत में आई थी, मैंने इसमें पानी लगाया था, अभी ये नीचे तक ही बन रखा है, नीचे तक मतलब बहुत नीचे तक है। अभी इसको एक घंटा लग जाएगा बनने में, क्योंकि हमारी मोटर ना थोड़ी हल्की वाली है, जल्दी से पानी नहीं चढ़ता इसमें ऊपर। तो मौसम ना आज बहुत डेंजर हो रहा है, मतलब ठंडा ठंडा पहली बार हो रहा है इतना ठंडा। जैकेट निकलवा ली है हम लोगों ने, मतलब मैंने जैकेट, बच्चों की भी अपनी भी। ठंडा ऐसा हो रहा है ना कि स्कूटी में कहीं जाओ तो ठंडे से हालत ख़राब हो जा रही है। अभी किट्टू को ट्यूशन छोड़ने जाना है मुझे, और सुबह दिन भर आज थोड़ा ना कुछ काम करने के लिए भी डर लग रही थी। मैं तो हीटर लगा के बैठी थी हीटर के आगे सुबह के टाइम पे, तो थोड़ा एडिटिंग करी ब्लॉग की मरी, और जो काम था धीरे धीरे लगी रही, क्योंकि बच्चों की ना आज छुट्टी थी इसलिए। अभी ये फ़ोन में भी आपको लग रहा होगा हवा कैसी चल रही है, तूफानी हवा चल रही है बिल्कुल। तो अब मुझे जाना है नीचे और बच्चों को कुछ बना के खिलाती हूँ। और मेरे फूल भी देखो कैसे लग रहे हैं, ये छत के वाले फूल हैं, अभी नीचे जाके दिखाऊंगी, नहीं तो पहले इधर इधर को लगे थे, फिर उस टाइम पे जब कलर लगाया तब से यहाँ शिफ्ट करे। अब यहाँ से इधर शिफ्ट करने में ठीक नहीं लग रहा है, मैंने सोचा उधर ही अपने आप रहते हैं, क्योंकि यहाँ को धूप आती है, तो मैं थोड़ा सुबह के टाइम पे धूप सेक लेती हूँ ना यहाँ। तो मैं जाती हूँ अंदर, और थोड़ी देर में फिर जाना है किट्टू को ट्यूशन छोड़ने, और आज मुझे कहीं जाना है, अपनी एक दोस्त है उसके घर जाना है, कुछ लेके आना है उसके घर से, तो वहाँ जाके बताऊँगी आप लोगों को। और यहाँ देखो मेरे गुलदाउदी के फूल खिलने लग गए हैं, और ये गेंदे का एक ही फूल आ रखा है बड़ा बड़ा सा, और ये बोगनवेला बोलते हैं ना इसको, बोगनवेला तो इतना अच्छा गुच्छे गुच्छे में आ रखा है, लेकिन इसमें पत्तियाँ नहीं आ रखी है, पता नहीं पत्तियाँ सब चली गई हैं, लेकिन इतने गुच्छों में इतना सुंदर लगता है ना, ये दूर से भी बहुत सुंदर लगता है। और ये मेरा लेमन ग्रास बोलते, क्या बोलते, इतनी अच्छी खुशबू आती है इससे। और ये हुआ एरिका पाम, मुझे एरिका पाम भी बहुत पसंद है, ये वाला ये एरिका पाम हो ना। और ये क्रोटन भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्रोटन की रंग बिरंगी वाली पत्तियाँ बहुत पसंद है। ये दूसरा क्रोटन है, ये उतना पसंद नहीं है मुझे ये वाला, जितना ये वाला पसंद है। और मेरे गेलन में देखो कितनी अच्छी तुलसी हो रही है, और इनमें जो ये फूल गमलों में गेंदे के फूल लगे हैं, सूखने लग गए हैं, पता नहीं कब तक चलते हैं, जब तक चलते हैं तब तक चलाती हूँ इनको। और ये आंवले का पेड़ मैंने ऐसे लगा रखा है, ये 14 इंच के गमले में लगा रखा है, बहुत बड़ा हो गया था, कटिंग करके छोटा कर रखा है इसको, बच्चों ने टहनी तोड़ दी होगी। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आपको अभी शाम के समय फिर। दोस्तों बाहर पर ना कोई आया है शायद, गेट खटखटाया, पता नहीं कहाँ चले गए। शायद उधर चले गए, कोई आए थे पता नहीं। दोस्तों जो मैं बोल रही थी गेट बजा रही थी, वो कोई अंकल आए थे भागवत का निमंत्रण देने के लिए। यहाँ नंदी बैंक्वेट हॉल है ना हमारे घर के, यहाँ से 20 मीटर आगे है, तो उनके यहाँ 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक भागवत है बता रहे हैं। तो मेरा गेट खटखटाया होगा, मैंने सुना नहीं, मेरे आने तक वो चले गए दूसरे वाले घर में, फिर मैं आई तो फिर दिया उन्होंने, जैसे मैंने गेट खोला ना, तो फिर जैसे उन्हें पता चला गेट खोल दिया, तो तब आए देने के लिए। कौन आया? आंटी प्रणाम, ठीक हो? हाँ आ जाओ, कैसे आए आज? हाँ चलो चलो बैठो, ठंडी कितनी हो रही है देखा। बैठो बैठो आप बैठो। किट्टू को ट्यूशन से लेके आ गई, मुझे वहाँ जाना था ना, मैं बता रही थी माँ के घर जाना, ये भी पीछे लग रही है। मेरे आने तक आंटी भी चले गए, वो रास्ते में मिले मुझे आंटी, आंटी कह रहे मैंने चाय पी ली थी, चले गए उनको चाय पी के, मतलब चाय देख के फिर गई थी ना मैं इसको ट्यूशन से लाने। तो थोड़ी सी चाय मैंने अपने लिए भी रखी है, और आंटी ना मेरे लिए देखो क्या लाए, आंटी मेरे लिए लाए मटर, 2 दाने माल्टे और मूली। उनके खेत में हो रहा होगा ना, मटर भी उन्होंने लगा रखा है, पता नहीं बोल रहे थे कहीं गांव से आया था तो ज़्यादा आया होगा, तो थोड़ा मेरे लिए लेके आए हैं। आ
आ गई, मैं पहुंच गई है माँ के घर में। ये क्या है, प्याज इतना हो रहा है, बाप रे। कंजूसी की भी हद होती है ये घर की। ये क्या खाया पिया, जो भी होता है, जैसा भी होता है, टेस्ट भी होता है, स्वादिष्ट होता है, पैसे नहीं लगते। ये प्याज छील कैसे दी हुई चाय। ये क्या है, अरे कटकी। कटकी क्या हुआ यार, बतासे खिलौने। खिलौने है, मैं पकड़ो पकड़ो लाओ इमली हाथ की चाय। चाय देखो ये भर भर के, अभी घर में आंटी के साथ भी पी के आई थी मैं चाय। ये देखो अदरक डाल के ये चेस करो। आज जला दिया। ये देखो बच्चा पार्टी। ये मुझे ना, ये यार ये तो मेरा जरूरी हो जाता है इसलिए ये लेना है, फोटो खींचना के लिए। ये दूसरा वाला, अच्छा ये दूसरे का दूसरा है, वो मेरा अलग था यार। ना ना यही है, या तो ये नए कंपनी में आ रखा है। हाँ ये लिया मैंने हिमा से, ये हिमा लूंगी भाई। और भी बहुत सारा सामान है, दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ इसी का, अच्छा ऐसा ही था हिमा जो मैंने लिया, तो दूसरा था फिर, ये वाला नहीं था तभी तो मेरी। ये वाला था, दिखाओ मुझे तो, मुझे दिखाओ तो, उसमें भी यही था फिर। हाँ ये सब उसी के हमारे, मेरा ये वाला था, डेली यूज का, सॉप, बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला, लिक्विड में भी है, और इसमें बर्तन धोने का, इसमें निर्मा है, सब कुछ है, पीसी छुपा रखा है। ये हमारे वहाँ भी आए हैं, हार्पिक, लाइजॉल, सब है उसमें हमारा, नीचे फेस वॉश, क्रीम। ये हेमा और हेमा की दूल्हे की फोटो यार, इसमें अच्छा नहीं आ रहा उतना अच्छा। यहाँ पे देखो कितनी प्यारी लग रही है वहाँ। मैं ये लेने आई थी ना, अभी ये दूसरे पैकेट में आ गया तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, लेके तो जाती हूँ पर। ये लोग ना इसकी कंपनी से जुड़े हुए हैं ना, तो इनके पास ये सब कुछ सामान है, अगर लेना है तो मैं तो इनसे ही, मतलब जो भी चाहिए फिर इनसे ही लेने आती हूँ। हाँ तो मैंने ना ये ले लिया है, और बाकी किसी को कुछ लेना है तो ये तो मेरे को तो बहुत पसंद है, ये यूज करती हूँ मैं हमेशा। मैं चलती हूँ घर को, बच्चा पार्टी बाय बोलो। बच्चा पार्टी बाय 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 बेटा। हेमा मुझे गिफ्ट पे क्या मिल रहा है? हेमा का ये गोली मोली बेटा बहुत पसंद है। हाँ तुम तो मेरे दोस्त, पहले मेरी दोस्त है वो, पहले मेरी थी, कोई छीन नहीं सकता मेरे से। पहले मेरी दोस्त होती है, कोई से बोलता है तो। अब हम देखो हैं घर को, मैं तो कवारी लाल दिखती हूँ यार कैमरे में। ये ये दोनों तो बहुत सुंदर लगते हैं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब। उस मेले हरी सब्जी निकाल के ला गई है, मैं जब भी आती हूँ मेले हरी सब्जी आती है। आप मेथी नहीं दे रही है मुझे, अपना अपना मेथी के पराठे खा खा के यहाँ पेट भर रखा है, और मेरे को मेथी के पराठे, मेथी नहीं दे रहे हैं। कल आना मेथी ले जाना, परसों आना चमसूर ले जाना, उसके अगले दिन आना धनिया ले जाना, उसके अगले दिन आना कुछ और ले जाना। हाँ ठीक है ठीक है, ये तो बहुत दिन चल जाएगा मेरा, ये भी 2-3 दिन चल जाएगा। तो अब मुझे जाना है घर को, अंधेरा हो गया है, अंधेरा आजकल ना बहुत जल्दी अंधेरा हो जा रहा है, आज तो फिर मौसम खराब है तो इसलिए जल्दी अंधेरा हो जा रहा है। हाँ ले जाना, हाँ हाँ। तो अभी ना मैं मटर और आलू की सब्जी बनाती हूँ, जो ये आंटी मटर देके गए हैं ताजे ताजे, चलो मटर खाते हैं। इनकी सब्जी बनाती हूँ और आलू की बनाती हूँ। ये मूली को कल सलाद में काटूंगी। देखिए दोस्तों ये रही मूली, अब मैं इसे खाऊंगा। मूली नहीं है बेटा, वो मटर है। अच्छा किट्टू यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी मेरे साथ ही बैठ बैठ के, तो चिपको है मेरे साथ ही बैठे रहती है। अब जो मैं फटाफट छिल लेती हूँ मटर को, और खुद भी खा जाना है। इतने अच्छे मटर है ना, ऐसे ही खाने का मन कर रहा है। ऐसे तोड़ा, ऐसे तोड़ा, ऐसे पकड़ा, ऐसे तोड़ा ना, दोनों साइड से ऐसे तोड़ेंगे। अब मेरे से ही नहीं टूट रहा, ऐसे तोड़ेंगे दोनों, मतलब इसका ऐसे छिल लिया ना एक साइड से, तो फिर जल्दी से टूट जाते हैं ये।
यही। खुला मीठे हो रहे हैं बहुत। ये वाले खट्टा है। पुडिंग खा गया। अब मैं छीलता हूँ। इसके ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे छीला, ऐसे 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 किया। बहुत टेस्टी है। कितना पिद्दी पिद्दी निकल रहे हैं। लेकिन मीठे है ना बहुत ज्यादा। मटर गायब हो गया। मटर गायब हो गया। अभी इसको लगा के थोड़ा हाथ में आराम जैसा हो रहा है। अभी लगाया है इसको। पहले जो लगाती थी शायद अलग था, लग रहा है मुझे ये थोड़ा अलग है। छिलने से ज्यादा तो छिलके सब्जी बनाने के लिए कम हो रहा है, मेरे खाने के लिए ज्यादा हो गया, मैंने ज्यादा खा लिया। मुझे मेरे खेत में हरी सब्जी होनी रही है, तो मुझे ना लोग बहुत दे दे रहे हैं, कभी कोई दे रहा है कभी कोई। पालक की सब्जी, राय की सब्जी कितनी मिल गई मुझे। ये मटर तो मेरे खेत में हो नहीं रहा ना, इस पहले लगाए तो हाँ जमाए नहीं, नहीं हो रहा मेरे खेत में। अब बो रखा है मैंने, अब खराब हो जाए। लेकिन मेरा केला नहीं होगा। दोबारा से गया। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त, और आप लोगों से मिलते हैं नई ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो सी यू सून।